फिल्म की शूटिंग करने आ पा रहा है? नहीं, इसके पहले मैंने एक फिल्म की शूटिंग की है, आन बान सन, और मैं इंटरव्यू में बोला भी था कि मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, मेरी कोशिश ये रही कि हर फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हो। तो देखिए, श्री रामचंद्र जी ने मुझे फिर बुला लिया, पांडे जी भी उस फिल्म में बड़ी सहयोग किए थे, और देखिए उनका प्यार है और यहाँ के लोगों का प्यार है कि फिर से हम लोग आपके बीच हैं। और अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं, तो कोशिश रहेगी कि हमारी फिल्म की शूटिंग है। इस तरह जो फिल्म बन रही हैं, अब लोग अयोध्या चॉइस कर रहे हैं, कितने भी हीरो हैं, चाहे अक्षय कुमार हों कुछ भी हों, तो वो अयोध्या को चॉइस कर रहे हैं कि अयोध्या में फिल्म बनाई जाए। अभी अक्षय कुमार ने भी आके कुछ दिन पहले जो है योगी जी से मिल करके यहाँ के लिए परमिशन ली थी कि हमें कहा जाए तो हम यहाँ पर शूटिंग कर सकें, तो क्यों कलाकार अयोध्या को चुन रहे हैं? देखिए, हमारी भोजपुरी फिल्म की अधिकतर शूटिंग यूपी में ही होती है, जैसे कि लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, तो हम लोग तो रीजनल भाषा वाले, रीजनल की शूटिंग अगर हमारे क्षेत्र में हो तो हमें खास करके बहुत खुशी होती है। और अयोध्या आज कौन नहीं जानता है, श्री राम की नगरी है, तो यहाँ पे अलग सुकून मिलता है। ये बोलेंगे एक यहाँ पे जो मैंने शुरू में बोला कि यहाँ पे बड़ी कॉपरेटिव लोग हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से सारे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। यहाँ अयोध्यावासी बहुत अच्छे हैं, और खास करके भोजपुरी हमारी जो भाषा है, बिहार यूपी और इधर थोड़ी कम लोग सुनते थे, लेकिन यहाँ पे जब भी हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, जो लोगों का लगाव है हमारे भाषा के, जो प्रेम है, तो वो प्रेम खींच के आप सब तक पेश करते हैं। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है, जिस तरह से मोदी जी ने आके शुरुआत की थी, कैसा लग रहा है आपको आकर के? आपके साथ इतने लोग कलाकार हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ आकर जो सपना था, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता था, वो तंबू में थे, तो हम सभी तकलीफ में थे, ना जाने कितने लोगों ने जान की बाजी लगाई, और आज वो सफल हुआ तो बहुत खुश हैं, बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। और बहुत जल्द राम जी के ऊपर मैंने सॉन्ग तो गाया है। यहाँ जब मैंने पिछली बार शूटिंग करने आए थे तो लोग बोले कि एक ऐसा सॉन्ग बनाइए और सरयू नदी के घाट पर शूटिंग करने वाले उसी की कड़ी इसमें सुना दीजिए, ताकि हम आगे भी सुना सके लोगों को। मैं बस यही बोलूँगा कि आजकल लोग इतना व्यस्त रहते हैं मोबाइल में लेके, व्हाट्सअप से लेके, फेसबुक से लेके, लेकिन एक यही सच्चाई है कि प्रभु है, प्रभु श्री राम है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, उसी पे मैंने एक सॉन्ग गाया था कि आप चाहे कितना भी पैसा रुपया कमा लीजिए, लेकिन आपको सुकून अगर मिलेगा तो प्रभु श्री राम के भजन में ही, तो वही लाइन है कि फुर्सत निकाला तनी काम से, नहीं लगाला श्री राम से, हर कुछ न बाटे है चार दिन के जिंदगानी में, सीता राम कह रहा मरई पलानी में, सीता राम कह रहा मरई पलानी।